Hello everyone, so to all of you, and a very good afternoon to all. Okay. So we will be having one more session that will be tomorrow. और उसके बाद में 16 को हम सेशन नहीं रखेंगे, प्रैक्टिस सेशन. आई विल जस्ट टेक योर डाउट्स. ठीक है, ऐसा कुछ प्लान करा है मैंने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे नहीं जानते, आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक एग्जाम के लिए. और ये वाले सेशंस जो एक सीरीज हमारी चल रही है, 6th डे है, हम फुल मॉक कर रहे हैं जैसे एग्जाम में मिलता है. और एग्जाम जल्दी होने वाला, वीकेंड पर एग्जाम है. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द लर्नर्स एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग आके यहाँ और मेहनत कर रहे हो प्रैक्टिस कर. If you are new, subscribe करने चैनल को and hit the bell icon, और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है. गुड आफ्टरनून वंस अगेन, वेलकम टू द सेशन. फटाफट लाइक और शेयर कर दो. और फिर बस कुछ रूल्स बताकर, कुछ लर्नर्स को रूल्स पता हैं, कुछ को नहीं है, तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं फिर बताकर स्टार्ट करूँगी. लेट्स हैव मोर पीपल हियर, ताकि बीच से फिर कोई ना आए. और जब तक मैं जो इंस्ट्रक्शन समझाने वाली हूँ, एक बार चैट में पिन भी कर देती हूँ. Though I don't see much use of it, but still. Okay, so good afternoon. All okay? Good afternoon. Oh yes. कोई बात नहीं, जो बहुत बाद में आए हैं, जो आज आए हैं, जो रेगुलरली आ रहे हैं, सबका वेलकम है. मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि क्या क्या कर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट इज, आप लोगों को एक लिस्ट जैसा बना लेना है 1, 2, 3 से लेकर 30 तक. ठीक है, 30 क्वेश्चन है हमारे प्रीलिम्स में, 30 क्वेश्चंस होते हैं. और एग्जाम में तो आपको केवल 20 मिनट्स मिलता है पूरे 30 क्वेश्चन करने का. यहाँ पे आपको 5 मिनट ऊपर मिल जाता है, क्योंकि मैं टाइमर चालू बंद करती हूँ. देन आई ऑल्सो गिव RC इन 2 parts, सो आपको उस समय से थोड़ा सा ज़्यादा ही समय मिलता है. पर आपको ऐसे 1, 2, 3 करके अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लेनी है, और जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर मार्क करते जाना है, लिखते जाना है ना. और जब मैं पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे 30, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी, आंसर के साथ एक्सप्लेन करूंगी, और आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो. ठीक है, सो ये इस प्रकार से है. सो रेगुलर स्टूडेंट्स, आई नो अब तो आप लोगों को रट गया है कि क्या करना है. कमेंट में आंसर नहीं देना है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा. और मैं चाहती हूँ कि आपकी अगर प्रैक्टिस हो रही है, और अगर हम टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस कर सके, जस्ट लाइक वी गेट टू डू एन एग्जाम, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं पूरा इतना सिस्टम इस तरीके से रख कर आप लोगों को क्वेश्चन करवाती हूँ, है ना. सो आई होप कि लाइक और शेयर तो सभी ने कर दिया है. वी हैव स्टूडेंट्स ओवर हियर, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट हमारा, फुल मॉक. मैं अपना वीडियो बंद कर रही हूँ, सो दैट आपको मिनिमम डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर हो. देयर वी गो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. आप पूरा ध्यान सब लोग का स्क्रीन पर और क्वेश्चन करना, कोई बातें नहीं, कुछ भी नहीं.
तो भी लेट जुड़े हैं लर्नर्स व्यूअर्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना है कॉपी में और रिस्पेक्टिव आंसर ए बी सी डी वो नोट कर लेना है। दैट्स हाउ आपको पूरे 30 क्वेश्चंस करने। वंस अगैन जो बाद में जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर और जो भी आंसर आपको उसका लगता है वो नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, फिर हम पूरे 30 क्वेश्चन के बाद क्रॉस चेक करेंगे।
जो भी लेट हो गए हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बट आप लोग काफी लेट हो, आधे से ज्यादा पेपर हो गया है। 18 क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे आप। ट्राई कि आप समय पर रहो ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले सेशन का। ओह, देन ऑफिस इज इम्पॉर्टेंट ऑफकोर्स। जो वर्किंग है, यू पीपल, आप लोगों को अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। टोटली अंडर, जहाँ से आओ वहाँ से कर लो, या फिर आप जब वर्क से ऑफ हो जा आपका वर्क ओवर हो जाता है, ऑफ लेते हो अगर कभी किसी दिन, तब भी कर सकते हो। जो भी बाद में जुड़ा है, इस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपको बुक में, कॉपी में अपनी मार्क करते जाना है। 20 का आंसर ये, 21 का ये, जो पहले छूट गए अब वो छूट गए, कोई बात नहीं, जो आगे के क्वेश्चन से आप वो करोगे।
ओके तो क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं यहाँ पर. आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, और अब आप लोगों ने जो मार्क करके रखे थे आंसर उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ठीक है, प्लीज लेट मी नो, यू पीपल आर विथ मी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था उसका आंसर है बी. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी. ब्लड्स शुगर नहीं बोलेंगे, शुगर जो है ब्लड उसका ओनरशिप नहीं ले रहा है. आप अपोस्ट्रोफी एस दो तीन केस में लगाते हो, जब आप फैमिली फ्रेंड्स के बारे में बोल रहे होते हो, निहारिकास फ्रेंड, निहारिकास ब्रदर, ऐसे करके. और दूसरा केस होता है जब किसी के स्वामित्व की बात हो. तीसरा केस तब होता है जब हम अपोस्ट्रोफी लगाकर किसी के रिलेशन को बता रहे होते हैं. बट यहाँ पर तो ब्लड्स का कोई काम ही नहीं है, ब्लड शुगर एक कंपाउंड नाउन बनेगा. तो हम यहाँ पे पहला आंसर जो है वो बी पाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस हमें नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर टू हैड नो एरर, क्वेश्चन नंबर टू का कोई एरर नहीं था. ऑल्दो द आर्ट फेस्टिवल वॉज सपोज टू बी इलेक्टिक, इट मेनली कंसिस्टेड ऑफ, कंसिस्ट अपने साथ ऑफ ले सकता है, पेंटर्स ट्राइंग टू सेल देयर वर्क. ओके, आप लोग फॉलो कर रहे हो मुझे? देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर इज बी. बहुत सिंपल था, माई फाइनेंशियल एडवाइजर वॉज हेल्पिंग मी पे ऑफ. क्या पे ऑफ? अ मैसिव अमाउंट ऑफ डेट. ये डेट जो है वो कैसा है, इसको समझा रहा है ये वाला टुकड़ा. जो आई इनकर्ड, ये ऑलरेडी हो चुका है. लॉस, डेट, इन सब के होना, पैसे से रिलेटेड एक नुकसान या बर्डन का होना इनकर करना कहलाता, जो एक हमारे क्वेश्चन का भी आगे चल के आंसर है. तो यहाँ इनकर्ड होना था, सो दैट्स योर आंसर डी. थर्ड का आंसर डी है. फोर्थ का आंसर है ए, जिसमें आपको हेंस हटाना होगा. नाउ लर्नर समझना ये वाला रूल. आपके पास में सेंटेंस में कॉज है और इफेक्ट है. ठीक है, आपका एक टुकड़ा है सेंटेंस का जो कॉज बताता है, एक टुकड़ा जो क्लॉज है वो इफेक्ट बताता है. अब अगर आप यहाँ सिंस डाल रहे हो तो यहाँ हेंस नहीं डालोगे. ओके, आप यहाँ पे हेंस डाल रहे हो तो यहाँ सिंस नहीं डालोगे. अब दोनों में से हम कौन सा हटाएं? अगर हेंस से शुरुआत होती तो आप रिजल्ट पहले बोलकर यहाँ पर कुछ स्टॉप लेते, देयर शुड बी समथिंग जो कि आपको अगले टुकड़े से जोड़ने के लिए मदद करता है, सेमी कॉलन और समथिंग लाइक दैट. सो हमारा जो पहला चॉइस था कि इस हेंस को हटा देते हैं. नॉर्मल जैसे हमें जब भी क्योंकि बताना होता है, वो क्योंकि कैसे बताया जाता है, आपने लिख दिया क्योंकि के लिए एज, सिंस, बिकॉज, जो लगाना हो लगाया, और उसके बाद में आपने वो कारण को व्यक्त कर दिया, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है. तो ये हैंस का कोई रोल बनता नहीं था यहाँ पर. सो नो वन न्यू दी एक्सटेंट ऑफ हर सन्स इंजुरी सिंस द स्कूल ओनली गेव माइन्यूट डिटेल्स ऑफ वॉट हैपन ऑन द प्ले ग्राउंड. आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? दो कंजंक्शन सेम रिलेशनशिप बताने वाले साथ में लग गए थे, जैसे ऑल्दो के साथ बट भी लगा देना जो कि गलत होता है. हेंस के साथ यहाँ फुल स्टॉप होता तो अलग बात थी, लेकिन हेंस से सेंटेंस शुरू तभी होता है जब आपके पास में जो जो क्लॉज है वो केवल एक ही हो. अदरवाइज फिर हेंस भी बीच में जाता है कि कारण पहले हो, हेंस लिखा और फिर रिजल्ट लिखा. तो यहाँ पर हेंस नहीं आना था. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन या आंसर इज एच. व्हेन यू लुक इनटू समथिंग, हम वो चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं. लेकिन एज द स्मॉल रेसलर लुक एट हिज कॉम्पिटिटर, ही सिंपली लुकिंग एट, राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन. तो उस तरीके से एट आना था, यहाँ इंटू नहीं आना था. ओके, सिंस नो 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 नो, ग्रामर को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करिएगा अक्षय. सिंस जो कंजंक्शन वाला होता है उसका मतलब क्योंकि होता है, जो कि सेंटेंसेस को जोड़ता है. सिंस जो कि आपका एडवर्ब होता है, ओके, वो या फिर प्रपोजिशन में भी आता है ये, वो होता है कभी से कुछ हो रहा है. सो यू नीड टू नो कि कब कंजंक्शन का काम है और कब दूसरे वाला.
तो ये फिफ्थ वाला आंसर जो था बी था, यहाँ पे लुक एट आना था, फ्रेजल वर्ब की गलती थी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, आंसर इज कर्ब। प्लान्स टू इंट्रोड्यूस टफर कर्ब ऑन इनसाइडर डीलिंग। कर्ब मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस, एक तो नाउन के समान भी यूज होता है और वर्ब के समान भी यूज होता है। शी प्रॉमिस शी वुड कर्ब, कंट्रोल करेगी, कर्ब करेगी अपना टेम्पर। ठीक है, दैट वॉज द क्वेश्चन फिफ्थ। या दिस वन आई मीन जो क्वेश्चन फाइव था वो इसके लुक एट वाला था, लुक एट वाला फाइव था, दिस इज द सिक्स्थ वन। ठीक है, सो हम यहाँ पे एरोगेट नहीं बोल सकते। जब भी किसी चीज को हम प्राप्त करते हैं या मान कर चलते हैं तो एरोगेट करते हैं। रिलेट करना, जोड़ना किसी चीज को किसी चीज से, बी फाउल करना, खराब करना, फाउल करना मतलब खराब करना, खराब चीज, और बी फाउल मतलब कि एडजेक्टिव में बी लगा दिया वो वर्ब बन गया तो खराब करना। यहाँ पे कर्ब आना था, एक जगह नाउन और एक जगह गुड आफ्टरनून। आई थिंक आर्ट ऑफ रीजनिंग दैट्स संजय संजय सर चैनल। सो गुड आफ्टरनून, ग्लैड टू हैव यू हियर। इफ इट इज सर, अगर सर की टीम से कोई है या सर है, वेलकम। एंड आप में से जिसको भी नहीं पता है, संजय सिंह सर अभी अभी रीजनिंग पढ़ाते हैं उनका खुद के चैनल पर भी और अनअकैडमी पर भी। तो रीजनिंग की टेंशन जिसको भी है भूल जाना, सर से कनेक्ट हो जाओ, सर के चैनल से जुड़ जाओ, अनअकैडमी की क्लासेस करो, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेट वर्ड है ना, रिलेट तो केवल वर्ब होता है, वुड के साथ में वर्ब चलेगा, यहाँ पे तो आपको नाउन डालना है ना, तो ऐसा शब्द चाहिए था जो दोनों आए। अरे वो पढ़ने नहीं आए होंगे, ही माइट हैव जस्ट कम हियर टू शो हिज सपोर्ट। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फोर्थ। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर जो है फोर्थ, अभी मैंने आपको बताया आई विल पे एनी एक्सपेंसेस जो हुए, और पैसे का, लॉस का, एक्सपेंस का होना इनकर करना ही कहलाता है। फैब्रिकेट करना मतलब मन से कहानी बनाना। ठीक है, सो यस यू कैन विश हिम जस्ट लाइक गुड स्टूडेंट्स। ओके, सो सॉइल करना, किसी चीज को खराब करना सॉइल करना होता है। ठीक है, सॉइल एज अ वर्ब भी यूज होता है, पर पैसे की बात है तो स्पॉइल करना नहीं, सॉइल करना बोला था, हम नहीं यूज कर सकते। एक्सपेंस डिपॉजिट नहीं होते हैं, एक्सपेंस तो हमने उपयोग कर लिया ना पैसे का, तो डिपॉजिट का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, गॉट इट? ओके या सॉइल मतलब डैमेज करना, खराब करना, बिल्कुल सही। देन एट वन, दैट इज प्रोपोगेंडा। ही वॉज चार्ज विद डिस्टर्बिंग एनिमी, डिस्ट्रीब्यूटिंग एनिमी प्रोपोगेंडा। सबको पता है नाउन के समान यूज होता है, एनिमी का जो भी एजेंडा प्रोपोगेंडा था, एडवर्टाइजमेंट था, उसकी बात हो रही है। रेगुलेशंस जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं पॉलिटिकल नाउन को, रेगुलेशंस वर रिलैक्स्ड। पॉलिटिकल एजेंडा प्रोपोगेंडा हो गया, उनका एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना। प्लांट्स डिस्टिंक्शन के मीनिंग नहीं आते। इंडिजेंट पुअर लोगों को बोला जाता है, टार्निश तो वर्ब है, हमको चाहिए नाउन था, है ना। गॉट इट? सो यस, यहाँ पे सी आंसर है, थर्ड वाला आंसर। ठीक है, देन द नाइन्थ वन, वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वन, स्पेशली टीचर्स। सो आई एम हैप्पी आप लोग सबने, जिसने भी रिस्पेक्ट करा, कीप डूइंग दैट। नाइन्थ का आंसर है सेकेंड।
If you come to an obstruction in a road, you can seek to circumvent it. See, circumvent करना एक तरीके से बायपास करना होता है, एक तरीके से चीज़ों को हम अवॉइड करते हुए, डॉच करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। तो ग्रैब इट का, ग्रैब करना, और बाकी ये जो दो हैं ये एडजेक्टिव हैं। टू के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए था, तो यहाँ पे ग्रिम और डिसोलेट आ नहीं सकता था, यहाँ पे मीनिंग गलत है। ग्रिम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गहन और नेगेटिव तरीके से, डर्टी, बुरा, बहुत ही एडवर्स। डिसोलेट का मतलब होता है बैरन, जिसमें कुछ उग नहीं रहा। ये एडजेक्टिव्स यहाँ नहीं आ सकते थे। यस या सर्कमवेंट कैन बी एनी काइंड, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से, बट आंसर सर्कमवेंट है। और 10th वाले का आंसर है कंसर्न्स। स्टोरी कंसर्न्स अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मेरे फ्रेंड से रिलेट करती हुई है। द रिपोर्ट कंसर्न्स इवेंट्स, इवेंट्स वो वाले हैं रिपोर्ट में जो कि ऐसे ऐसे हुए। किसी को पढ़ाना लिखाना, किसी चीज में किसी को इन्वॉल्व करना। रिपोर्ट प्रेजेंटेड इवेंट्स, देखो प्रेजेंटेड पर अभी आते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। यील्ड करना, एक आउटपुट देना है। ना अगर मैं बोलूँ तो स्टोरी, देखो रिपोर्ट तो प्रेजेंट कर सकती है चीज़ें, लेकिन स्टोरी प्रेजेंटेड अ फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब होगा कि स्टोरी के जरिए आपको मेरे फ्रेंड का इंट्रोडक्शन मिला, विच इज़ वेरी एब्जर्ड एंड इनकम्प्लीट थिंग। तो हम यहाँ पे प्रेजेंटेड बोलकर अधूरा मीनिंग नहीं, स्टोरी मेरे फ्रेंड के शायद लाइफ के बारे में, विषय में है, या फ्रेंड की लाइफ से रिलेटेड है। तो कंसर्न इज द अप्रोप्रिएट वर्ड कि फ्रेंड उस स्टोरी में शामिल है, लेकिन स्टोरी के जरिए कुछ प्रेजेंट हो रहा है और वो प्रेजेंट मेरा फ्रेंड है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो आंसर यहाँ पे जो था वो सी था। ठीक है, इलेवेंथ का आंसर इज बी। वोल्पेन इज अ नोबल मैन हु इज ऑलरेडी वेरी रिच, बट हिज सोल डिजायर, डिजायर ना उन्हें, है ना। और हम यहाँ पे स्लोई ही तो होना ही नहीं था। सोलली केवल को हम सोल बोलते हैं एडजेक्टिव में, है ना। सोल तरीके से को सोलली एडवर्ब में बोलते हैं, तो ये होगा नहीं, यहाँ आर गलत था, है ना। सो दिस नोबल मैन हु इज ऑलरेडी वेरी रिच, बट जो डिजायर है सिंगुलर, दैट इज समथिंग। विच वर्ड आर वी, हाँ दोनों सेंटेंसेस में फिट होना चाहिए। कंसर्न मतलब कि यहाँ किसको रिलेट करती, किसके विषय में है, किसकी किसके टॉपिक को इन्वॉल्व करती हुई है। ये कंसर्न नाउन वाला, चिंता वाला कंसर्न नहीं है जो पिछले क्वेश्चन में था। 12th का आंसर इज ई। सम फिश विथ क्या क्या फीचर्स एंड काम पॉइज्ड एटीट्यूड्स ऑलवेज अपियर रेडी फॉर फोटो, है ना। तो फीचर्स हैं उसके डेलिकेट वाले, एटीट्यूड्स हैं जो काम है और पॉइज्ड है। तो हम यहाँ पे फीचर्स बोले तो एटीट्यूड्स भी हमने कर दिया, एटीट्यूड वाले वर्ड हटा दिए। पॉइज नहीं आएगा, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव जो है वो लगाना चाहिए था। ठीक है, एंड राकेश, डिजायर शब्द जो है वो सिंगुलर होता है ना। सिंगुलर के साथ आप आर कैसे लगाओगे, राइट right? तो यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड। थर्टींथ क्वेश्चन का आंसर है सी। सो कॉलरिज यूजेस पैरेललिज्म टू शो हाउ द सेलर्स चेंज क्विकली, चेंज क्विक गलत, दोस गलत, क्विक गलत, सेलर्स क्विकली चेंज दे माइंड, माइंड है तो उनका माइंड है, पजेसिव फॉर्म चाहिए। आंसर इज सी। देन कम्स योर 14th क्वेश्चन, 14 चौदहवें क्वेश्चन का आंसर डी है। टू मेनी शॉर्ट सेंटेंसेस कैन हर्ट एन एसे, फॉर क्योंकि दे कैन मेक द राइटिंग सीम चॉपी एंड सीम लाइक, है ना।
राइटिंग्स नहीं होता, राइटिंग अपने आप में जो हम कंपोज करके लिख रहे हैं वो होता है। तो राइटिंग आना था, मेकिंग तो वैसे ही कैन के बाद नहीं आ सकता, है ना। कैन मेक द राइटिंग सीम्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। मेक के साथ में जब आप लिखते हो ना, मेक समवन कैसा लग रहा है, मेक समवन गो देयर, तो मेक अपने बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर चलेगा जो कि बेयर इन्फिनिटिव में आएगा। पॉइस एडजेक्टिव में पॉइस्ड होता है, पॉइस नहीं होता। ओके, आर वी क्लियर? द राइट वर्ड इटसेल्फ इज पॉइस्ड, एडजेक्टिव में पॉइस्ड ही है। हाँ, तो जैसे मेक बोलोगे ना, दैट टेक्स बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर इट, दैट्स व्हाई आंसर इज डी। 15 का आंसर इज सी, 15 का आंसर इज सी। रेटिंग एजेंसी सीज, सी तो नहीं आ सकता। एज अमंग, ओके, देखती है एजेंसी एज अमंग द मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है। आप द लगा रहे हो यहाँ पे, तो मच और मोर का यूज नहीं होगा, करेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस हैं, यू कैन इजीली डू दैम। तो 16 का आंसर जो है वो है सी। ओके, नाउ जैसे मैंने देखा, इट इज हियर दैट दे नेस्ट, तो पी से तो शुरुआत हो नहीं सकती, है ना। लेदर बैक सी टर्टल्स लव जेली फिश, ओके, इन फैक्ट दे ईट सो मैनी ऑफ देम, तो क्यू के साथ में आर ही आना था। इतना पता चल जाता है मेरा आंसर ये मार्क है, मतलब कि ये क्वेश्चन आपको ऑफकोर्स टाइम मिले तो अच्छे से करना है, बट वेन यू हैव दैट क्रंच ऑफ टाइम यू हैव टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ स्मार्ट ट्रिक, कि आप उसका कोई पेयर निकाल लो, है ना। और आप इनफैक्ट वाली चीज से क्यू और आर का स्ट्रॉन्ग पेयर पाते, कोई एक पेयर निकाल लो वो भी चलेगा, राइट। ओके, रेटिंग एजेंसी, राकेश आपको बहुत काम करना है आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बेटा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, है ना। ये रेटिंग एजेंसी आप देख सकते हो कि जो एजेंसी शब्द है वो सिंगुलर है, ओके, एक वचन में, तो वो अपने साथ सी कैसे लेगा। ये बहुत बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, तो मेरा क्योंकि आपके जो दोनों डाउट आए वो दोनों ही डाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर बेस्ड है, कि कब सिंगुलर के साथ कौन सा लगता है, है ना। और अभी जैसे अगर आप SBI PO का एग्जाम दे रहे हो, तो ये तो बहुत ही अभी पास आ चुका है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, अभी ग्रामर की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेवनटीन्थ का आंसर ए है। अब जैसे देखो, दे आर नाउ, अभी दे तो पता नहीं, बट से भी शुरू नहीं होगा, तीन तो मेरे यही खत्म हो गए ऑप्शंस, मुझे पक्के से पता चल गया पी से शुरू होगा। ऑल स्टर्जियन इन द US आर करेंटली लिस्टेड एज एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, ठीक है। दे आर नाउ इलीगल टू कैच, बट साइंटिस्ट विथ इक्विपमेंट रिसेंटली कैप्चर्ड इमेजेस, बिल्कुल पी के साथ क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार चल रहा है, आंसर ए आ जाता है, ठीक है। एटीन्थ का आंसर इज डी, एटीन्थ का आंसर इज डी, वापस से बहुत इजी, बाय से शुरू हो सकता है, लेकिन आगे चल के पूरी बात नहीं मिल रही, किस चेन की बात है, क्या चीज है, तो बाय की वजह से नहीं, पॉइंट की वजह से पी से नहीं होगा, इट और दिस से शुरू नहीं हो सकता, इट से हो सकता, लेकिन इट यहाँ पे किसी नाउन के लिए है, जो कि जो भी नाउन है इट है वो इन्फ्लुएंस करता है, तो एस से ही होना है। अब एस के मेरे पास तीन ऑप्शन है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो रिजॉल्विंग द पेंडेमिक क्विकली हिंजेस ऑन ये सब, After an infection has resolved and the patient is back in good health. यहाँ पे ये जो इम्यून मेमोरी है वो वाली बात को एक्सप्लेन करा गया, एस और आर पेयर हैं जो कि केवल यहाँ मिल रहा है ना।
क्योंकि यहाँ पर आपने फिनोमिना को ऐसे में समझाया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम इम्यून मेमोरी की बात हो रही है, राइट? यस एग्जैक्टली। 19th का आंसर इज बी, 19th का आंसर इज बी। वापस से देखो, दे कैन, दिस इज दे, तो भैया पी तो पक्के से होगा। पैरासाइट्स हैव इम्पोर्टेंस, दे कैन सर्व इम्पोर्टेंट रोल्स। आपने बोला इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस पाई जाती है, अब बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है? सेकेंड स्टेप तो वही होगी। दिस इज बिकॉज दे आर इंडिकेटर शेपर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात से दूसरे इकोसिस्टम वाली बात पर हम आगे गए, मतलब पी के बाद में आप आर लगा सकते हो, पी के बाद में आप क्यू लगा सकते हो। अब क्यू का तो ऑप्शन था ही नहीं आपके पास, तो पी और क्यू जो है वो चला गया, पी और आर बचा, तो नाउ यू कैन रिलेट इट, आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। 20th. So, over 300 sea turtles, 100 manatees, innumerable fish वगैरह have been killed. ठीक है, यहाँ पे the noxious chemicals कौन से आ गए? This year coastal waters ऐसा ऐसा है. For those this year you may have noticed something जो कि noxious stench lingering है. द टाइड इज कॉज्ड बाय, अभी सीधे टाइड के ऊपर आ गया, तो टाइड वाली बात हम कहीं पर कुछ टाइड की बात करेंगे, तो क्यू और एस, एस में आपने जो है वो टाइड्स बोला, वर्स्ट रेड टाइड्स, एंड आप क्यू में जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो कि यहाँ पे द टाइड इज कॉज्ड बाय, तो ये रेड क्यों है? वो ब्लूम ऑफ एलगी के कारण है। तो एस और क्यू पक्का पेयर था, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर मिल रहा है, लेकिन एस से शुरू नहीं हो सकता, तो आपका आंसर बी था, ठीक है, ओके। ये वाले क्वेश्चन के लिए भी इतना इंटरेस्ट शो कर दो लर्नर्स, है ना? ये वाले क्वेश्चन तो अभी इंपॉर्टेंट है। चलो, नो प्लेस इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन डैश, ओके, नो पार्डन मी, जस्ट सेकेंड लर्नर, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ब्लैंक यहाँ पे था, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। श्रिम्प लाइक क्रिटर्स फ्रॉम दिस ट्रेंचेस वर फाउंड टू डैश ऑन, डैश ऑन वॉट? ऑन फूड दैट स्टिंक्स। 21 का आंसर इज मंच, ओके। हाँ, जो हम यहाँ पे इंजॉय कर करके खाते हैं, जैसे चिप्स हो गया, या फिर जितने नमकीन होते हैं, इंडिया में भी पीपल लाइक टू मंच ऑन दैट, राइट? तो हम थोड़ा थोड़ा इंजॉय करके खाते हैं। रेकन करना हम, यस, रेकन करना हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी चीज़ के लिए जब इस प्रकार से बात होती है, इफ रेकन एक तो नाउन और वर्ब दोनों होता है ना? एंड वेन वी टॉक अबाउट कि वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन बिठाए जा रहे हैं एक तरीके से, हमने मान लिया कि ये इतना है ये इतना है, तब हम रैकन करते हैं। एस्टोनिश तो भौचक्का कर देना, और हर्ल मतलब थ्रो करना, एक वॉमिट वाला हर्ल होता है और एक किसी भी चीज़ को थ्रो करना हर्ल होता है, तो हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते थे। यस, इवैल्यूएट चेक करना भी हो सकता है ना, तो इवैल्यूएट एग्जैक्टली हर जगह काम नहीं आएगा रैकन का, ओके। देन द सेकेंड वन, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 22, 22 का आंसर इज ए, जस्ट अ सेकेंड। नॉट ओनली हेल्प साइंटिस्ट फिगर आउट बट ऑल्सो अंडरस्कोर डेथ्स टू विच इन्फ्लुएंस कैन पेनिट्रेट। पेनिट्रेट मतलब कहीं से होकर जाना, ठीक है, पेनिट्रेट मतलब कोई चीज कहीं से होकर गई, घुसी उस तरीके से। प्रिवेंट क्यों करना चाहेंगे हम? पैलिएट पोस्टुलेट एज अ थ्योरी, किसी चीज को समक्ष रखना पोस्टुलेट करना होता है, और पैलिएट करना किसी चीज के असर को कम करना हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आराम राहत का काम करना, वो सारे वर्ड्स हम यहाँ यूज नहीं कर सकते थे, ओके।
नेक्स्ट 23rd वन बहुत इजी था, एक्सप्लोर डैश ऑन अर्थ, लीस्ट एक्सप्लोर्ड अर्थ के कोने कोने कॉर्नर, छोटे छोटे एंड वाले पॉइंट्स को हम नुक्स बोलते हैं। ब्रुक्स क्रिमिनल को बोला जाता है। ब्रुक छोटी सी जो जिससे नदी बनकर बाहर आती है ना, मतलब जो पतली वाली नदी होती है उसको ब्रुक कहा जाता है। प्लैक करना तो तोड़ना होता है, तो हम यहाँ पे केवल नुक्स ही बोल सकते थे। दिस वॉज द इजिएस्ट आई थिंक आउट ऑफ ऑल। 24th में हम बोल रहे हैं होवर। ओके यस। एट द बॉटम टेम्परेचर्स डैश जस्ट अबव फ्रीजिंग, मंडराते रहना है ना। हॉल मतलब या तो बहुत सारा कुछ खरीदा है, वो जो आपके वीडियोस आते हैं हॉल वाले वो हैं। तो पोस्टुलेट अभी थोड़े दिन पहले भी किया था मंजरी, वर्ड्स को याद रखना है, कोई थ्योरी को कोई आइडिया को समक्ष रखना, पोस्टुलेट करना होता है। ओके सो हियर वी गो, प्रोपेल करना, आगे बढ़ाना। तो ये सब अच्छा नुक्स नहीं पता था, अभी पता चल गया। एनीथिंग एल्स? मंडराना, लेकिन हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना वो मंडराना मतलब आसपास जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग, जस्ट अबव फ्रीजिंग के भटकता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, एग्जैक्टली जीरो के जस्ट थोड़ा ऊपर। ओके क्रुक्स क्रिमिनल्स को बोला जाता है, ठीक है, जो बदमाश होते हैं, चोर उचक्के हो गए, मर्डर हो गए, सबको क्रुक्स। ठीक है चलो। 25th आंसर इज खावर। यस सो वी आर सेइंग कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रिटर्स इज श्रिम्प लाइक एम्फीपॉड, अ फैमिली ऑफ क्रस्टेशियंस दैट डैश द फ्लोर फॉर फूड। ओके बिल्कुल खरोच खरोच के सफाया कर देना, उसको स्कावर करना बोल। ठीक है सो आई एम हैप्पी। सो स्पर करना जो है वो किसी चीज़ की हम एकदम से स्टिमुलेट कर देते हैं, एकदम से बढ़ा देते, स्पीड बढ़ा देते, सेशिएट किसी को संतुष्टि लेकर आना, स्टोर करना बताने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन क्विकली टू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन बाकी हैं हमारे। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, 26वां द आंसर इज बी, जो कि केवल बेस्ड ऑन फर्स्ट पैरा था। ओके यू कैन सी फर्स्ट पैरा में क्या पढ़ने को मिल रहा है। नाउ शुगर इज न्यू टोबैको, जो कि एडिक्टिव होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मोर एजुकेटेड कंज्यूमर जो है वो लो कैलोरी प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढ रहे हैं आजकल। फिर वो केविन का एग्जाम्पल है, और इसने क्या किया, कंपनीज फर्स्ट सच एफर्ट टू रिड्यूस शुगर कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया। यहाँ पर सेड दे ट्राइड इट विद देयर बिगेस्ट ब्रांड एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। उन्होंने कम शुगर वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया। सो दिस फर्स्ट पैराग्राफ इलेस्ट्रेट करता है कि कंपनीज को वो हो रही अवेयर कि डिमांड जो है वो लो कैलोरी प्रोडक्ट की है। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से बी इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है या देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नॉट वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका सी है। सेकेंड पैराग्राफ में मिल रहा है, काफ़ी आसान हो गया था क्वेश्चन, अगर आपके काफ़ी जो थे स्पेसिफिक जगह पर ही लोकेटेड थे उनके आंसर्स। इट इज़ पॉसिबल टू कीप टेस्ट इंटैक्ट इवन इफ लेस शुगर इज देयर इन द प्रिपरेशन। तो हाँ ये आपको मिल रहा है, इसका टेस्ट इंटैक्ट है। नेस्ले हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू वे, नेस्ले वाला पॉइंट यहाँ है। और रूटर्स रिपोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ डेफिनेटिव लिंक बिटवीन शुगरी ड्रिंक्स एंड शुगर, जबकि ये जो रूटर्स है इसने लिंक को कैंसर से करा है। तो यहाँ पे कैंसर वाला सही है और ये वाला नॉट ट्रू का आंसर हो जाता है। ठीक है आपको जो गलत है जो फॉल्स है वो बताना था। ओके
28th का आंसर इज सेकेंड एंड द थर्ड वन. 28th का आंसर इज सेकेंड एंड द थर्ड वन. ठीक है. देयर हैज बीन अ राइज इन सेल ऑफ नॉन शुगरी फूड आइटम्स. दिस इज लाइक अ ह्यूज पॉइंट. ये हम इन्फर नहीं कर सकते. सी गाइस, नॉन शुगरी मतलब कि जो सॉल्टी है शायद वो भी नॉन शुगरी में आ गए, है ना. जो बिल्कुल ब्लैंड है वो भी आ गए. सो ये हम कहीं से ड्रॉ नहीं कर सकते. पॉपुलरिटी एंड सेल ऑफ लो शुगर प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू राइज. हम डिमांड को देख ही रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ चेंज कर रही हैं. एंड देन पीपल आर विलिंग टू पे मोर फॉर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स. विलिंगनेस टू पे अ प्रीमियम फॉर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स. सेकेंड एंड द थर्ड वन आप यहाँ इन्फर कर पा रहे हो. ओके, आर वी क्लियर? ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. इसको आप, हम एक्चुअली अगर पूरा पैराग्राफ देखोगे, पैसेज देखोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट लेस क्वांटिटी और क्वांटम और परसेंटेज ऑफ शुगर, दैट इज लो शुगर प्रोडक्ट्स. और इसी तरीके से हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स आपको बिल्कुल सीधे दिया हुआ है. ठीक है, सो देयर यू गो. अभी तो दो आंसर मैंने बताए नहीं, रुक जाओ. स्टेटमेंट है, टू बी श्योर रूटर्स रिपोर्टेड कि कोका कोला हैड बीट सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन एंड रेस्ड इट्स रेवेन्यू फॉर फुल ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ हायर सेल्स ऑफ इट्स जीरो शुगर सोडास. स्टेटमेंट जो है, ओके, ये किसके द्वारा, ये तो क्लियर था. हैज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय अबव स्टेटमेंट, मतलब ये वाला स्टेटमेंट. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ग्लोबली कंज्यूमर अवेयरनेस जो है, और ये प्रोडक्ट ऑफरिंग ये वाली इंक्रीज हो रही है, तो उनको अपने पैसे अर्निंग्स में भी एक्सपेक्टेशन क्रॉस होते हुए दिखी. तो डी इसका कंक्लूजन था, है ना. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आसपास के एक दो सेंटेंस आप ज़रूर पढ़ें. एंड एपिगामिया का जो एग्जांपल है लास्ट में दिया हुआ था, व्हाई ऑथर ने ये एग्जांपल दिया है, कैसे स्टार्टअप्स हैव टेकन कंज्यूमर डिमांड इनटू अकाउंट, क्योंकि ये भी तो प्लान कर रहा है इस कैटेगरी में नो शुगर ग्रीक योगर्ट और इस कैटेगरी में चीज़ें लॉन्च करने का, तो वो भी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव पर जा रहा है, भी आंसर था. ठीक है, नहीं बेस्ट कैसे होगा? बेस्ट स्कोर तो 5 out of 5 होना चाहिए ना. बेस्ट का मीनिंग क्या होता है? दैट सरपासेस एवरी अदर थिंग. तो बेस्ट क्यों हम कम मानकर चले जब लोगों के लर्नर्स, दूसरे लर्नर्स के पूरे पूरे सही आ रहे हैं? तो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितना सही हुआ? तो वी से कि 4 out of 5 जैसे क्लोज टेस्ट में है, और आरसी में 7 out of 8 और 5 out of 6 इज नॉट बैड, बट दैट डजंट मेक इट द बेस्ट. 25, 18, 19, 23, 20, 23, 6 काफ़ी लेस है. ओके, ओके, ओके. तो कट ऑफ जो मैं आज की दे रही हूँ, आई एम गिविंग 17. ठीक है, कल आखिरी फुल मॉक है, उसके बाद में देर विल बी दिस जस्ट अ डिस्कशन, जो थोड़े बहुत डाउट्स है पेपर कैसे देना है उसको लेकर, फिर हम 16th को वो करेंगे. ठीक है, सो देर यू गो. टेक केयर ऑल ऑफ यू ऑफ योर हेल्थ. एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है हेल्थ को भी ध्यान में रखना. एंड या, वी आर डन हियर. टेक केयर ऑल ऑफ यू. आई विल बी मीटिंग गाइस टुमारो. एंड ओके, सो वी विल मीट टुमारो नाउ. टेक केयर. लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है. भूल गए थे तो अभी कर दो. एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.